अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ईटा टेस्ट मैक एजी 100% में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। ये एसएसटी जर्नल का मुकम्मल हलशुद्दा पेपर है जो एक्सपाटा में 2021 में लिया गया है। हमारे चैनल पर आप अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी चैनल से हम तमाम टेस्टों की तैयारी के लिए मवाद शेयर करेंगे। तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। क्वेश्चन नंबर वन इसमें है कि हु सेट यू ऑन टू डू इट, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन इंस्टिगेटेड बनता है। और क्वेश्चन नंबर टू देखें, दो नंबर क्वेश्चन, एक्टर इन द प्ले किंग लियर डिस्क्राइब्स हिज हिमसेल्फ एज मैड बिगर कॉल्ड पुअर टॉम, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर थ्री देखें, तीन नंबर क्वेश्चन, ही हैज मैनी माउथ्स टू फीड, द गिवन सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ऑप्शन सी है दोस्तों। एंड क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, चार नंबर क्वेश्चन, अल्यूजन रेफर्स टू द फॉलोइंग, अल्यूजन रेफर्स टू आर रेफरेंस ऑफ पास्ट पर्सन और थिंग, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर फाइव, पांच नंबर क्वेश्चन देखिए, आई वॉज अ बिट अप्रिहेंसिव एट, लगेगा इसमें ऑप्शन डी है, एट द थॉट ऑफ अटेंडिंग द फेस्टिवल। और क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए, छह नंबर क्वेश्चन, सच वॉज नॉट माई इंटेंशन, ये प्रोनाउन है, सच लफज जो है ना, सच ये क्या है, प्रोनाउन है। और सेवन नंबर क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, अकॉर्डिंग टू ड्रीम्स वट विल हैपन इफ आवर ड्रीम्स डाई, लाइफ विल बी होपलेस, ऑप्शन ए करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए, क्वेश्चन नंबर एट, ब्रिंग दीज बिस्किट्स विद यू फॉर यू गेट हंग्री ऑन द जर्नी, ऑप्शन डी लगेगा इसमें। और क्वेश्चन नंबर नाइन को देखिए, नौ नंबर क्वेश्चन को, कुरान मजीद में कुल रुको हैं 558 है, ऑप्शन डी करेक्ट है। दस नंबर क्वेश्चन को देखिए, इफ ए हैज टू एलिमेंट्स एंड बी हैज थ्री एलिमेंट्स द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इज 2^6, ऑप्शन सी है। ग्यारह नंबर क्वेश्चन को देखिए, नेक औरतें फरमान बरदार और शौहर की अदम मौजूदगी में महाफिज होती हैं, ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। बारह नंबर क्वेश्चन, क्यूब रूट ऑफ 343 इज 7, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। थर्टीन नंबर क्वेश्चन देखिए, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन KNO3 KNO2+O2, इसमें ऑप्शन लगेगा ऑप्शन बी। और चौथा नंबर क्वेश्चन को देखिए, 14 नंबर, सर सैयद अहमद खान रिटायर फ्रॉम द ब्रिटिश सर्विस एज अ जज, ऑप्शन ए करेक्ट है। 15 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेंजा, अ डिवीजन ऑफ अ पोएम, ऑप्शन डी करेक्ट है। 16, आई लव पिज्जा देयरफॉर मोस्ट डेज आई ईट इट फॉर ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 को देखें, 17 नंबर, आई हर्ड माई सिस्टर टॉकिंग ऑन फोन, ऑप्शन बी लगेगा। एंड क्वेश्चन नंबर 18 देखे, माई मदर टोल्ड मी फॉर डूइंग द रिपोर्ट बिफोर फ्राइडे, ऑप्शन डी लगेगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखे, 19, द डॉग डिग्स अंडर द फिंस, द डॉग डिग्स अंडर द फिंस, ये क्या है, अंडर द फिंस वर प्रेज है, ऑप्शन डी है। और क्वेश्चन नंबर 20 देखे, 20, द लाइट एट द फ्रंट डोर सडनली वेंट ऑफ, ये क्वेश्चन मैंने नाउन प्रेस किया था लेकिन एक दोस्त ने उस दूसरे चैनल पर इसको मैंने जो किया था तो उसमें ऑप्शन सी को मैंने करा किया, लेकिन एक दोस्त बता रहे हैं कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, तो ये आप खुद चेक कर लें। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, पाक चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट वॉज सेटल इन 1963, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 22 नंबर क्वेश्चन जो है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22, एन असेसमेंट दैट इज कैरीड आउट थ्रू द कोर्स इज कॉल्ड फॉर्मेटिव असेसमेंट, ऑप्शन सी करेक्ट है। 23 नंबर क्वेश्चन देखें, अकॉर्डिंग टू इकबाल्स फिलासफी इट इज नेसेसरी फॉर अ स्टूडेंट टू फॉलो टीचर्स, ऑप्शन बी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 24 देखें, द रिवाइज पे स्केल इज यूनिफॉर्म, अपोजिट मीनिंग ऑफ रिवाइज इक्वल है, ऑप्शन ए है। और क्वेश्चन नंबर 25 देखें, द अपलूवेंट ऑफ मोस्ट विजिटिंग अरब इज एस्टॉनिशिंग अंडरलाइन वर्ल्ड की मनी वेल्थ है, ऑप्शन बी करेक्ट है। 26 नंबर क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 26, Who among the following is our revolutionary poet? P.B. Shelley, option B correct है। और क्वेश्चन नंबर 27 जो है दोस्तों, She bought it for herself, demonstrative pronoun, herself क्या है, herself demonstrative pronoun है। और 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, A form of a verb that is used to indicate a past or ongoing action and that can be used like adjective is called participle, option D है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट वीक ही विल बी फ्लाइंग टू दुबई, ऑप्शन सी। और 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट अप टू कंसेक्यूटिव क्लासेस इन अ फ्रीक्वेंसी टेबल इज कॉल्ड क्लास इंटरवल, ऑप्शन बी है। 31 नंबर क्वेश्चन, सोशल ग्लेसेस यूज्ड टू ऑब्जर्व द सोलर इक्लिप्स आर मेड बाय द यूज ऑफ,
इस क्वेश्चन को मैंने दूसरे चैनल पर छोड़ा था आप लोगों पर, तो एक दोस्त के कहने पर वो कह रहे हैं कि ये ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, टेबल टेनिस बॉल्स आर मेड फ्रॉम प्लांट सेलुलोज, ऑप्शन ए करेक्ट है। और 33 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश इंडिया कंपनी वॉज ग्रांटेड परमिशन ऑफ द ट्रेड विद इंडिया बाय जहांगीर, ऑप्शन बी करेक्ट है। 34 नंबर क्वेश्चन, विच वन इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कॉग्निशन, सेंसेशन, ऑप्शन सी करेक्ट है। और 35 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, एजुकेशनल फिलासफी हेल्प्स इन डिटरमिनेशन ऑफ एम्स, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। 36 नंबर क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 36, शी इज नॉट कट आउट फॉर दिस काइंड ऑफ वर्क, इसके माने रिमूव, ऑप्शन बी करेक्ट है, कट आउट माने रिमूव। और 37 नंबर क्वेश्चन, ह्यूमनिज्म एंड प्रिंटिंग प्रेस वर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है। और 38 नंबर क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, व्हाट इज सिस्टेट, व्हाट इज सिस्टेट, ये लास्ट सिक्स लाइंस ऑफ सोनेट, ऑप्शन ए करेक्ट है। 39 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 39 नंबर क्वेश्चन, आई वंडर इफ सारा विल बी कमिंग विद अस, आई वंडर इफ सारा विल बी कमिंग विद अस, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन नाउन क्लास, ये थोड़ा सा कंफ्यूज है तो इसको जरा चेक करना, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट। 40 नंबर देखिए दोस्तों, द यूजुअल एडुलेशन ऑफ द ऑफिसर मस्ट एंटर, कहते हैं कि चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग, इसके अपोजिट इन मीनिंग, और इसके मानी है एक्सेसिव एडमायरेशन, तो कंडिमिनेशन आएगा, इसका अपोजिट ऑप्शन सी है। 41 नंबर क्वेश्चन, हर डिबोनियर मैनर, इसके चार्मिंग मैनर को कहते हैं, तो इसका अपोजिट लफ्ज ढूंढना है, चेयरलेस होगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। और 42 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, नन कैन बी श्योर ऑफ यूर हेल्थ बिकॉज यू ऑलवेज प्ले फास्ट एंड लूज, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। और 43 नंबर क्वेश्चन, वैनिटी इज ऑफन नोटिसेबल इन अ ग्रेट लीडर, यहाँ पर कुछ चंद दोस्तों ने इस बारे में कमेंट्स की है कि ये नोटिसेबल के मानी जो है ना विजिबल है, लेकिन ये विजिबल नहीं है इसके मानी दोस्तों, ठीक है। वैनिटी जाहिरी शान शौकत को कहते हैं, तो इसको लोग नोट करते हैं, विजिबल तो माना देखना है, देखना नहीं, ये नोट करने के काबिल है, नोटिसेबल, तो इसका आप आएगा ऑप्शन डी रिमार्केबल, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। बहुत सारे दोस्तों ने विजिबल लिखा लेकिन विजिबल नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44, द अनस्क्रपुलस एक्ट विल ओनली टेंटामाउंट, अनस्क्रपुलस बेईमानी, टेंटामाउंट के मानी इक्वल, विल बी इक्वल टू, ऑप्शन बी है। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, रेलवे लाइन डेट इज नो लॉन्गर यूज इज डिसयूज, बेकार, ऑप्शन सी है। और 46 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंगल फैक्टर इन अंडरलाइन द सक्सेस ऑफ बिगिनिंग ऑफ अ टीचर, ऑप्शन सी इसमें पर्सनैलिटी इन इट्स एबिलिटी टू रिलेट द क्लास। और 47 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 47, विल बिगन इज हाफ डन, तो इसमें कहते हैं कि विल जो है ये क्या है, दिस इज एडवर्ब। और 44 नंबर, 48 नंबर क्वेश्चन करेंगे, 48, डिस्पाइट हिज पर्सनैलिटी, इसमें भी एक दोस्त ने लिखा है कि ऑप्शन बी है, लेकिन मेरे ख्याल में ऑप्शन ए करेक्ट है इसमें। 49 नंबर क्वेश्चन को देखिए, देयर आर सेवरल मिस्टेक्स इन योर कंपोजिशन, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, सेवरल क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, क्वांटिटी या नंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी या एडजेक्टिव ऑफ नंबर। 51 नंबर देखिए, आई डन माई वर्क, आई हैड डन, ऑप्शन डी लगेगा, अमीन असलम केम टू सी मी। और 51 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कितनी उम्र में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चचा बताले कि हमारा मुल्क शाम का सफर किया था, 12 साल की उम्र में, ऑप्शन सी है। और 52 नंबर क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर 7, 0, 8 और 9 को इस्तेमाल करते हुए, ऑप्शन बी बनेगा। 35 नंबर क्वेश्चन, इफ 5 years आर एडिड टू अ मैन, इस क्वेश्चन को मैंने डिटेल से हल किया है दूसरे चैनल पर, आपको बताया था कि इसमें ऑप्शन सी जो है ना, ये 32 लिखा हुआ है, ये 32 नहीं बल्कि ये क्या है, ये 23 है, 23 साल, और इस क्वेश्चन का आंसर 23 है। 54 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 54, क्वेश्चन नंबर 54 कहते हैं कि द डीएनए मॉलिक्यूल टू विच द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज इंटीग्रेटेड फॉर क्लोनिंग कॉल्ड वेक्टर, इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। 55 नंबर क्वेश्चन, मीथेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू गिव प्रोडक्ट ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, ये कंबस्शन है, ऑप्शन ए करेक्ट है। 56 नंबर क्वेश्चन देखें, शिमला डिप्यूटेशन वॉज लेड बाय सर आगा खान, ऑप्शन सी है। 57 नंबर क्वेश्चन, द फैक्टर डेट इफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड फाउंडेशन ऑफ करिकुलम, ऑप्शन ए है। और 58 नंबर क्वेश्चन को देखें, 58 नंबर, फिलासफिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम इज कंसर्न विद आइडियाज, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। और 59 नंबर क्वेश्चन देखें,
our soldiers are killing the enemies are being killed by our soldiers. आप साइड सी लगेगा, इसका पेशियो वाइस बनाना था। और 60 नंबर क्वेश्चन पर देखिए दोस्तों, 60 नंबर, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीटेड है। कैनन हैड सच यूनिक क्वालिटीज डेट, इसमें ऑप्शन ए लगेगा। और क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, 61 नंबर, ही इंजॉयड विकेरियस अथॉरिटी, विकेरियस के मानी है डिलीगेटेड नुमाइंदा, ऑप्शन बी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 62 जो है, क्वेश्चन नंबर 62, आई लाइक दिस देन डेट, ये देन जो है दिस इज कंजंक्शन है, ऑप्शन डी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 63 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि द हंटर शट द लाइन, द हंटर शट द लाइन, इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है, द लाइन वॉज शट बाय द हंटर, ऑप्शन बी। और 64 नंबर क्वेश्चन है कि द nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इन नंबर ऑफ वैल्यू इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन, ऑप्शन बी है। और 65 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन कुछ इस तरह के, घरों में जो गैस का हीटर बल्ब जलाते हैं तो उसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होता है, प्रोड्यूस होता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड अगर ज़्यादा तादाद में जमा हो जाए तो फिर इससे डेथ का खतरा होता है। 66 नंबर देखिए, इफ सम ऑफ अवर पीपल मिसबिहेव यू, अगर क्लास में कुछ स्टूडेंट आपके साथ मिसबिहेव करे तो आपको क्या करना चाहिए, ऑप्शन सी, इम्प्रूव दियर बिहेवियर बाई योर ओन कैरेक्टर एंड स्कॉलरशिप। 67 नंबर देखिए, ही इज अ लायर, यू शुड टेक हिज स्टेटमेंट एज विद अ ग्रेन आर ऑफ साल्ट, ऑप्शन ए इसमें लगता है। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, द स्ट्रीट्स ऑफ पेशावर आर वर्स देन दोज ऑफ लाहौर, तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ये क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, जो शख्स जुम्मा के दिन लोगों की गर्दनों पर से चिल्लांग लगा कर जाते हैं, उस तो आपने इसमें ऑप्शन डी करेक्ट है, पुल बनाता है। 70 नंबर क्वेश्चन, द लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास 7 बार, इसमें लोअर लिमिट 7 है। क्वेश्चन नंबर 71, द रेशियो ऑफ एन आवर टू अ मिनट, ऑप्शन बी। 72 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनऑर्गेनिक नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन बी इज करेक्ट। और 73 नंबर क्वेश्चन, अ मैकेनिकल एप्लायंस विच कैन वर्क ऑन पास्कल्स प्रिंसिपल इज हाइड्रोलिक सिस्टम। 74 नंबर देखिए दोस्तों, 74 नंबर, इन विच लैंग्वेज शाहुल्लाह ट्रांसलेटेड द होली कुरान, पर्शियन में किया था, ऑप्शन बी है। 75 नंबर देखिए, ऑब्जर्वेशन ऑफ वंस ओन बिहेवियर बाई लुकिंग इन वर्ल्ड इज नोन एज, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन बी है। और 76 नंबर आप देखें, द एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रिक्टली एंड सिस्टमेटिकली सॉल्व प्रॉब्लम्स इमर्ज ड्यूरिंग फॉर्मल ऑब्जर्वेशन स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ऑप्शन बी करेक्ट है। 77 नंबर देखें, इट इज फॉलिश टू एस्टेब्लिश, इसमें ऑप्शन बी और सी दोनों में से चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 78 देखें, शाइलॉक द जीव वॉज अ करेक्टर इन द प्ले, 78 पेज इसमें देखिए कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय इमेजरी, लैंग्वेज परसीव्ड थ्रू सेंसेस। और 80 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 80 नंबर, विच इज द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, रोमांटिक पीरियड, ऑप्शन ए। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए, शी वेंट होम एंड सेट ऑन, तो क्या देखिए इसमें ऑर्डर बनाए, तो इसमें करेक्ट ऑर्डर ऑप्शन डी है, सेट ऑन हर कंफर्टेबल ओल्ड वुडन सोफा। 82 नंबर देखिए, आई वुड रिलैक्स द रूल इफ आई वर द हेड ऑफ दैट कंपनी, ये कंडीशनल नंबर 2 है, ऑप्शन बी करेक्ट है। 83, आई हैव स्टिल अ फ्यू फ्रेंड्स, ऑप्शन ए लगेगा इसमें। और क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, 84, He said to her, "Which books did you buy from this shop?" So, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी लगेगा। He asked her which book she had bought from that shop. ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, His endeavors proved fruitful. Fruitful तो fruitful के opposite meaning futile. ऑप्शन डी करेक्ट है। 86 नंबर देखिए, Look on my words, ye mighty and despair. कि ये किस पोयम से लिया गया है, तो ये ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। 87 नंबर देखिए, माय टीचर हैज आईज इन द बैक ऑफ हर हेड, ये क्या है, ईडियम है, ऑप्शन डी है। और 88 नंबर क्वेश्चन जो है ना दोस्तों, हक आ गया और बातिल मिट गया, और बातिल मिटने वाली चीज है,
ये कुरान की किस सूरह में है, तो इसमें कोई भी इतने करेक्ट नहीं। ये सूरह अस्सा में है जो कि 15 नंबर पारा में है। क्वेश्चन नंबर 89 देखें। अली वे 25 पाउंड्स मोर देन अक्रम, इफ टुगेदर दे वे 205 पाउंड्स, व्हाट इज द वेट ऑफ अली? 115। ऑप्शन सी करेक्ट है। और 90 नंबर क्वेश्चन को देखें। 4/9 अपर नंबर इज 12, तो वो नंबर क्या है? डेट इज बी, 3 में 12। यस। 91 नंबर देखें। बिलीरियम इज अ येलो, इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है दोस्तों। और 92 नंबर क्वेश्चन, द वर्ड रीनल इज यूज किडनीज के लिए इस्तेमाल होता है, ऑप्शन सी है। और क्वेश्चन नंबर 93 देखें। द हीरोइंस इनफिडिलिटी ना परमानी, तो कहते हैं कि इसका अपोजिट मीन लॉयल्टी, वफादारी, ए है। 94 नंबर देखें। दियर केम अबाउट अ डेड लॉक, ऑप्शन बी लगेगा इसमें। 95 नंबर क्वेश्चन देखें। द डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान कैन ओनली बी सेटल थ्रू निगोशिएशन, तो निगोशिएशन का मानी क्या है? म्यूचुअल डिस्कशन, ऑप्शन बी। 96 नंबर क्वेश्चन देखें। वी हैव नो डेटा टू गो अपॉन इन दिस केस, टू एग्जामिन, ऑप्शन सी लगेगा इसमें। और 97, व्हाट इज कैरेक्टर, कैरेक्टर क्या है? अ फेमस मैन इन द प्ले। 98 नंबर क्वेश्चन, हु इज द पोइट ऑफ विक्टोरियन एज, रॉबर्ट ब्राउनिंग, ऑप्शन बी। 99 नंबर क्वेश्चन, वाई इज इंटेंट ऑन फिनिशिंग स्कूल, ऑप्शन ए लगेगा इसमें। और आखिरी क्वेश्चन देखिए, 100 नंबर, आर यू सेड टू हिम वाई डिड यू कॉल मी नेम्स यस्टरडे, इसमें ऑप्शन सी लगेगा। यू आस्क हिम वाई ही हैड कॉल यू नेम्स द प्रीवियस डे। तो पेपर इसके साथ कंप्लीट हो गया दोस्तों। लाइक और शेयर लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।